Welcome to Naya Swad channel. फ्रेंड्स, आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी भेल बना रहा हूँ। इस भेल का नाम है चाइनीज भेल। इस भेल को आप फ्यूजन भेल भी बोल सकते हैं, चाइनीज सैलेड भी बोल सकते हैं। ये चाइनीज भेल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो इस प्रकार है। क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स। फ्राइड नूडल्स का रेसिपी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। इसके अलावा लगेगा श्रेडेड वेजिटेबल्स। श्रेडेड वेजिटेबल्स में मैंने लिया है स्प्रिंग अनियंस, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, गाजर, टमाटर और खीरा। इसके अलावा लगेगा टबास्को, शहद, लाल मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्ची पाउडर, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप, ऑलिव ऑयल, विनेगर, लाल मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स गार्निशिंग के लिए। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में टोमेटो केचप डालेंगे, थोड़ा ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे, विनेगर डालेंगे, टबास्को डालेंगे, लाल मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अब काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, और थोड़ा शहद डालेंगे। इन सब चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये श्रेडेड सब्जियां डालेंगे। अब ये फ्राइड नूडल्स डालेंगे। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा भेल तैयार है। अब इसका प्लेटिंग करेंगे। अब इसका गार्निशिंग थोड़ा चॉप्ड स्प्रिंग अनियन ग्रीन से करेंगे। थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे, और ये थोड़ा सा फ्राइड नूडल्स डालेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी फ्यूजन भेल तैयार है। इसको तुरंत ही खाए, नहीं तो सौगी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं फ्राइड नूडल्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, बॉयल नूडल्स और कॉर्नफ्लावर। इसके लिए एक प्लेट में सबसे पहले थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, फिर थोड़ा नूडल्स डालेंगे और नूडल्स को अच्छे से कॉर्नफ्लावर से कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे बॉयल नूडल्स को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारे नूडल्स कॉर्नफ्लावर में कोट होके तैयार है। अब इनको गरम तेल में फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम नूडल्स फ्राई करेंगे। एक पीस नूडल को हम लोग तोड़ के देख लेंगे। अगर ये क्रिस्पी हो गया है तो इसका मतलब ये रेडी हो गया है। इसी तरह हम बाकी के नूडल्स भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे फ्राइड नूडल्स तैयार हैं। ये नूडल्स को आप एयर टाइट कंटेनर में रखें तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होएगा और क्रिस्पी रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।